अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। राजनीतिक रूप से मोदी सरकार की घोर विरोधी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के आवास पर CBI ने आज छापेमारी की है। इस क्रम में जांच एजेंसी 30 से ज्यादा स्थानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यह छापेमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर की गई है। दरअसल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। CBI के छापे के दौरान पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक्स यानी ट्वीट किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके उनके आवास पर CBI द्वारा छापेमारी की गई है। उनके पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वह किसान के बेटे हैं, वह नहीं डरेंगे और ना ही झुकेंगे। पहले देखिए वह वीडियो जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनावी नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था जी। उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई, मेरे में बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है क्योंकि उनका सारा काम PMO देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूं गांव गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी मौका है, इस बार जाति संप्रदाय धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। दरअसल CBI ने 22 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ों में ईरो हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के हुए भ्रष्टाचार के मामले में आज पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के परिसरों समेत 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों का मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके बाद ही CBI ने पिछले साल अप्रैल में एक मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद CBI ने पिछले साल अप्रैल में 10 स्थानों पर और जून 2022 में 16 स्थानों पर तलाशी ली। इस साल मई में भी 12 स्थानों पर तलाशी ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।